हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल का नाम है मास्टरमाइंड आर। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में हम कुछ नए चीज़ें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हो, यह फर्ग्यूसन मेसरेड, इसका हम रिपेंट करने वाले, फुल्ली रिपेंट करने वाले। तो आप इसका कंडीशन अभी देख सकते हो, पूरा जंग पकड़ा है और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पैचेस भी है। तो दोस्तों, इसको हम पूरा क्लीन करके इस पर हम पूरी प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी प्रोसेस अप्लाई करने की करना है, या आप इस वीडियो में पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सभी पता चल जाएगा कि मैंने इस पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो इंजन है ट्रैक्टर का, उसका पूरा पेंट निकल गया है कहीं कहीं पे, और मेटल भी दिख रहा है। जहाँ पे कलर निकल गया है वहाँ पे पूरा जंग पकड़ा है, और इसको हम रिमूव करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका बोनेट का भी काम इधर चालू है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे पेंट रिमूव का काम चालू है। तो दोस्तों, इसका पूरा हम पेंट निकाल देंगे, इसके बाद हम इस पर प्रोसेस करने वाले। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पेंट पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पेंट निकालने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई की थी, वैसे ही यहाँ पे आपको वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा ऊपर वाला जो जो पार्ट है पैनल पे, उसका पूरा कलर निकल गया है, वहाँ पे जंग पकड़ा है, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे प्याज भी है और छोटे डेंट भी है। इसको हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो आपको आगे पता चलेगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये साइड के पैनल है, इस पर हमने पूरा पेंट निकाल दिया है। ये बाहर से भी और अंदर से भी पेंट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अंदर से पूरा ख़राब हो चुका था। इस पर भी बहुत बड़े पैचेस है। तो दोस्तों, ये प्याज मिटाने के लिए हम पुट्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी पेंट की जानकारी दे दूंगा, मैंने यहाँ पे कौन सा पेंट अप्लाई किया है, कौन सी पुट्टी अप्लाई की है, कौन सा क्लियर कोट अप्लाई किया है, वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे मैंने पेंट रिमूव लगाने के कुछ ही 15 मिनट बाद मैंने इस पेंट निकलने की प्रोसेस स्टार्ट की। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथली पेंट निकल रहा है। तो दोस्तों, आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए। कुछ पेंटर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, जो आपका पैनल का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है, और जो लेवल है वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो उस पर पेंट होने के बाद वो क्लियरली अच्छा नहीं दिखता। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पूरा पेंट निकालने के बाद मैंने 150 नंबर पेपर से इसको सैंडिंग किया है, सैंडिंग पेपर से, और उसके बाद मैंने इसको डिटर्जेंट से पूरा क्लीन किया है। अब इसको हम 15 मिनट सूखने के लिए दे देंगे। अगर आप ये पेंट निकालते हो और एक दिन या 4 दिन या 4 घंटे बाद भी आप इसको मतलब आगे वाली प्रोसेस करेंगे, जैसे कि प्राइमर, कौन सा भी प्राइमर यूज़ करेंगे, तो दोस्तों 4 घंटे के बाद इस पर फिर से जंग पकड़ना शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, जब क्लीन करने के बाद कुछ ही देर के अंदर इसको प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये लिक्विड अप्लाई कर दिया है। ये लिक्विड का फ़ायदा ये है कि पेंट जल्दी निकलता नहीं, और आपके पेंट की लाइफ बढ़ जाती है, और आपका जो मेटल है उस पर कभी जंग नहीं पकड़ता। तो दोस्तों, आपको भी यही प्रोसेस अपनाने अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, इसके बाद मैं इसको रेड ऑक्साइड के बाद मैं एनसी प्राइमर अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें नहीं दिखाई। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने रेड ऑक्साइड अप्लाई किया था दोस्तों, उसके बाद मैं एनसी प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं जो छोटे डेंट जो है वो निकालने के लिए मैं लांबी का पुट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर आपके मेटल पे या आपके कौन से भी पैनल पे छोटे डेंट रहेंगे तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा, और जो फिनिशिंग की स्मूथनेस है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपका पेंट भी अच्छा दिखता है शोरूम टाइप। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि आप अगर फिनिशिंग का काम कम्प्लीटली प्रोफेशनली कम्प्लीट करोगे तो पेंट का भी रिजल्ट उसी तरह आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, पुट्टी अप्लाई करने के बाद मैं इसको सैंडिंग पेपर से, मतलब 600 नंबर का पेपर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो इससे मैं पूरा पैनल है वो पूरा सैंडिंग करके फिर से मैं 1000 नंबर पेपर से सैंडिंग करूँगा।
तो 1000 नंबर का पेपर यूज़ करने का कारण ये है कि आपकी स्मूथनेस और भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ये भी ये जो ट्रैक्टर है इसको भी डेल्ट्रॉन का कलर अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था 575 के लिए मैंने डेल्ट्रॉन का कलर यूज़ किया था, वो तो उसके एक पेंट यूज़ करने से पहले मैंने जो भी प्रोसेस किए तो मैंने पूरा आपको दिखाया था, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको क्या चेंज किया है मैंने इस पेंट में तो आपको पूरा समझ आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भेज देना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम जो काम करते हैं पूरा भट्टी पेंट का करते हैं, टू व्हीलर का भट्टी पेंट करते हैं, और आपको भी कुछ चीज़ें समझ आएगी कि अगर आप के पेंटर के पास पेंट करने के लिए जाते हो तो क्या क्या पेंट कौन सा पेंट यूज़ करना चाहिए, क्या क्या पेंट नहीं करना चाहिए, और फिनिशिंग के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे। तो दोस्तों आप भी सजेशन दे सकते हो पेंटर को कि भाई आप जो पेंट यूज़ कर रहे हो कौन सा कंपनी का है और उसका लाइफ कितना रहेगा। तो दोस्तों मैं जो पेंट रिपेंट कर रहा हूँ इसका कम से कम हमारे यहाँ 5 साल का वारंटी रहता है, और अगर आप अच्छा यूज़ करते हो ट्रैक्टर तो उसका कम से कम 10 या 15 साल आपका पेंट नहीं हिलेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मतलब 15 साल तक टिके रहने का पेंट जो है ख़राब नहीं होता, इसका कारण ये है कि हम जो फाउंडेशन से जो वर्क स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पूरा का पूरा मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो पूरा हाई क्वालिटी का मटेरियल रहता है, और जो प्रोसेस है वो प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जब हम आप जैसे कि देख रहे हो पूरा सेंडिंग का काम कंप्लीट हो गया है, तो हम पहले मैं इसको डिक्रीज करके मैं यहाँ पे अभी अंडरकोट अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों अंडरकोट इसलिए अप्लाई करना चाहिए कि अगर आप जो पेंट जो फाइनल पेंट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसका स्मूथनेस बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं अंडरकोट अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों कुछ पेंटर डायरेक्टली इस प्राइमर के ऊपर ही डायरेक्ट पेंट अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों उससे क्या होता है आपका स्मूथनेस नहीं बढ़ता, आपका फिनिशिंग नहीं आता। तो दोस्तों और क्या होता है उसका जो अंडरकोट का जो पैसा है वो भी बच जाता है, तो दोस्तों इसका फ़ायदा पेंटर उठाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो पेंट करते हैं वो पूरा प्रोफेशनली पेंट करते हैं, हम कोई प्रोसेस नहीं छोड़ते दोस्तों, पूरा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ही जो मेन पेंट है मतलब फाइनल पेंट है वो अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हो ये अंडरकोट है, आपको ये पेंट लगेगा लेकिन ये पेंट नहीं है, ये अंडरकोट है। इसके बाद हम इस पर पेंट अप्लाई करने वाले हैं जो डेल्ट्रॉन का पेंट है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैं यूज़ करना कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो पेंट आप सामने देख रहे हो ये पूरा मैंने इस ट्रैक्टर के लिए प्रोसेस करने के लिए लाया था। तो दोस्तों आप जैसे कि मैं आपको एक एक पेंट की पूरी जानकारी दे दूँगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा मैंने सेट रख दिया है जहाँ पूरा किट है कि मैंने क्या क्या पेंट यूज़ किया है। दोस्तों ये जैसे कि आप मैंने आपको बताया था मेसी रेड 500 ml, ये जो पेंट है ये डेल्ट्रॉन का पेंट है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि अंडरकोट अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको ये वाली पुट्टी दिखा रहा हो, दोस्तों ये वाली पुट्टी ये बहुत ही मतलब हाई लेवल की पुट्टी है। दोस्तों इसका कम से कम 1 किलो का प्राइस आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, यहाँ पे मतलब 400 रुपये करीबन 400 रुपये इसका 1 किलो का प्याक आता है उर्थ। तो दोस्तों ये वाला हम आप जैसे कि मतलब जो इससे भी छोटे मतलब कम बजट में पुट्टियाँ आती है तो मैं वो यूज़ नहीं करता क्योंकि काम में उसका बहुत ही ख़राब रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, ये जो प्राइमर है ये 400 रुपये लीटर वाला है, ये प्राइमर जब हम पूरा घिसते हैं तब यूज़ करते हैं,
मतलब पूरा मेटल का पूरा पेंट निकालते हैं तब यूज़ करते हैं। और इसका ये हार्डनर है, HD का ये। तो दोस्तों ये पर लीटर 400 रुपये में आता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये है पीओ थिनर, इसका प्राइस पर लीटर कम से कम यहाँ पे 270 रुपये के आसपास है। तो इसके बाद हम एटोकट ये डिग्रीज है, इसका हम डस्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपके पैनल पे कोई डस्ट नहीं रहता और आपका पेंट भी बहुत अच्छा बैठ जाता है। इसके बाद ये सिल्वर है, वायोला, ये जो आप मैंने फील्ड पे जो पेंट अप्लाई किया है उसका पेंट है, ये बायोलॉक्स में मिलता है। मतलब इससे कम बजट में भी मिल जाता है, लेकिन मैं बायोलॉक्स का ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये भी सिल्वर है और ये है क्लियर कोट। ये क्लियर कोट का कम से कम 2000 रुपये पर लीटर मिलता है दोस्तों। तो पूरा पेंट होने के बाद मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको इसकी प्राइस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये 1900 रुपये का पैक है दोस्तों। ये मुझे 1800 में मिल गया। मतलब ये 100 रुपये का डिस्टेंस इसमें मुझे मिल गया। मतलब ये 1 घंटे के अंदर सूख जाता है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। वो इसका हार्डनर है। ये अभी जो आपने क्लियर कोट देखा उसका हार्डनर है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखाई मैंने। ये भी सीक्रेट है, मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता दोस्तों। और दो तीन ऐसी चीज़ें हैं वो सीक्रेट है, फिनिशिंग के लिए, फाइनल फिनिशिंग के लिए, वो आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी दोस्तों आप ही की तरह बिजनेस करो और सीक्रेट कोई भी नहीं बताता। और हाँ, जैसे कि सेंडिंग के लिए मैं ये पेपर यूज़ करता हूँ, मैं मशीन से पूरा सेंडिंग करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पूरी पेंट की पूरी जानकारी दे दी है, अगर आपको कोई डाउट हो, फिर भी कोई डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे शॉप में पेंट करवाना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे दिए, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको मेरा लोकेशन भी बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, आपके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपके दोस्त के पास अगर ट्रैक्टर हो उसको रिपेंट करना चाहते हैं तो आप मेरा ही वीडियो दिखा देना, तो उसको भी इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी कि कौन सा पेंट यूज़ करना चाहिए और पेंट करने का प्रोसेस क्या रहता है। और सही तरीके से आप पेंट यूज़ करते हो, सही तरीके से आप प्रोसेस करते हो, तो आपका पेंट 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 5 साल तो नहीं हिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो, हम आगे इस वीडियो में आगे वाली प्रोसेस देख लेंगे। पेंट के बाद हम इस पर ग्राफिक्स अप्लाई करेंगे, ग्राफिक्स के बाद हम इस पर क्लियर कोट अप्लाई करने वाले। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो।
तो दोस्तों बोनेट और पैनल पे मैंने अंडरकोट अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर का इंजन है ये मैंने पूरा क्लीन करके डीजल वॉश करके फिर से डिटर्जेंट से मैंने इसको क्लीन किया था। और कुछ चीज़ें ग्राइंडर से निकालनी पड़ती है, मतलब कहीं पे जंग पकड़ा है और कहीं पे कहीं पे पेंट निकला था, वहाँ पे मैंने ग्राइंडर का यूज़ किया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी लिक्विड का प्रोसेस कर रहा हूँ। ये लिक्विड जंग नहीं पकड़ने देगा और इंजन तो आपको पता है इंजन ज़्यादा मतलब हीट होता है तो वहाँ पे कलर निकल जाता है, पेंट निकल जाता है। तो ये लिक्विड क्या करता है, अगर कितना भी हीट होने से आपका पेंट निकल रहा है तो ये लिक्विड का मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है पेंट नहीं निकलता कितना भी हीट होने के बाद भी। उसके बाद मैंने इस पर रेड ऑक्साइड अप्लाई किया है। तो दोस्तों रेड ऑक्साइड अप्लाई करने के बाद मैंने इसको पूरा एक दिन छोड़ दिया था सूखने के लिए, क्योंकि रेड ऑक्साइड जितना सूख जाएगा उतना मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं अभी इसको जैसी जो ग्रे कलर का पेंट मिलता है मैंने मतलब मेसी का कंपनी का, तो मैंने इस पर अभी अप्लाई करना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों अभी हम इंजन का जो जैसी जैसी ग्रे है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों मैंने वीडियो थोड़ा सा कट कर दिया है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और आप भी बोर ना हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो इसमें अभी हम जो फील है उसको हम सिल्वर कलर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके कम से कम मैं दो लेयर अप्लाई करूँगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर में कवरेज नहीं होता, सेकेंड लेयर में कम्प्लीटली कवरेज हो जाएगा और बहुत ही स्मूथली दिख जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहे हो। और ये जो सिल्वर पेंट है ये मैंने आपको दिखाया था मैं कौन सा कंपनी का यूज़ किया है, और ये भी हाई क्वालिटी का पेंट है। इसके बाद मैं इस पर क्लियर कोट अप्लाई करने वाला हूँ। अभी जो मैं सिल्वर अप्लाई कर रहा हूँ इस पर शाइनिंग नहीं आएगी, शाइन के लिए मैं इसको क्लियर कोट अप्लाई करने वाला हूँ। तो आगे वीडियो में आप वो भी प्रोसेस देख लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि डायरेक्ट जो पेंटर है, कुछ पेंटर रहते हैं कि मैंने देखा है कि सिल्वर पे क्लियर कोट नहीं अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है 4 या 5 महीने में सिल्वर का जो पपड़ियाँ निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं दोस्तों पूरा प्रोसेस मतलब पूरा सिल्वर कंप्लीट होने के बाद मैं इस पर क्लियर कोट अप्लाई कर देने वाला हूँ। तो क्लियर कोट अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो पेंट है वो पूरा मतलब ज़्यादा उसका लाइफ बढ़ जाता है और शाइनिंग भी अच्छा देता है।
तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहो, मैं आपको जो आगे वाली प्रोसेस है इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। तो दोस्तों सिल्वर पेंट अप्लाई करने के बाद हम अभी आते हैं फाइनली पेंट पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अंडरकोट अप्लाई करने के बाद मैंने इसको 2000 नंबर से मतलब जो वाटर पेपर रहता है उससे मैंने सेंड किया था ताकि अगर कोई डस्ट रहे हो तो वो निकल जाए। तो दोस्तों उसके बाद मैं इसको क्लीन करने के बाद मैं अभी इस पर फाइनल पेंट अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डेल्ट्रॉन कंपनी का मैंने पेंट इस ट्रैक्टर के लिए मंगवाया था, तो कस्टमर की यही डिमांड थी कि पेंट भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, जहाँ मतलब आप कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं थी। तो दोस्तों मैंने इस पर पूरा पूरा का पूरा 100% प्रोसेस यूज़ किया है। तो अब फाइनल जो शॉट है वो देखने के लिए ना भूलें, तो आपको पता चल जाएगा कि पेंट कितना स्मूथली बैठा है और कितना अच्छा दिख रहा है, कितनी क्वालिटी अच्छी दिख रही है और इसका लाभ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अभी पेंट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं बोनेट पे पूरा पेंट अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं इसको भट्टी में रखूँगा। जो हमारी भट्टी है आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम यहाँ पे जो ट्रैक्टर है और टू व्हीलर है भट्टी पेंट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराना ट्रैक्टर है और पुरानी बाइक है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिपेंट करके एकदम शोरूम जैसा बना दूंगा। तो दोस्तों आप किसी पेंटर के पास जाते हो तो दोस्तों कैसा रहता है, अगर आप क्वालिटी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पेंट यूज़ करना चाहते हो, अच्छा क्वालिटी का शाइनिंग आपको चाहिए, तो कॉस्ट भी उसी हिसाब से रहेगी। अगर आप बजट में काम करना चाहते हो तो आपका जो पेंट है वो बजट के हिसाब से ही रहेगा। तो दोस्तों इसमें कोई पेंटर की गलती नहीं रहती। तो दोस्तों आपको भी समझ आना चाहिए कि अगर आपको क्वालिटी का काम चाहिए तो उसका बजट भी अच्छा ही लगेगा। जैसे बजट से आप काम करते हो वैसे बजट से ही काम क्वालिटी रहता है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जहाँ पे जाते हो और आप डील करते हो तो अगर 500 का भी डिफरेंस रहता है, 500 रुपये का भी डिफरेंस रहता है, तो कोई उसमें से एक कोई ना कोई एक प्रोसेस कम हो जाती है। दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप मतलब आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे डील करते हो, मतलब एग्जांपल समझ लो कि आपका डील 10,000 का हो गया है और आप बोल रहे हो कि 8,000 में कर दो, 9,000 में कर दो, पेंटर को कोई दिक्कत नहीं है, वो कर देगा। लेकिन वो क्या करेगा, कोई दो प्रोसेस ऐसे रहेगी वो तो ऐसे रहेगी वो उसमें से माइनस कर देगा। और आप अगर आप कोई भी प्रोसेस माइनस कर देते हो तो आपको रिजल्ट वही उसी तरह से ही मिलेगा। तो दोस्तों आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेंटर 10,000 की डिमांड कर रहा है तो आपको पूरा पैसा देना चाहिए, क्योंकि उसको पता है आपको क्वालिटी कौन सी चाहिए, तो उसको सब पता रहता है। तो आप जो डिले होता है उसी हिसाब से चलो तो आपको अच्छा रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा और आपको लाइफ पेंट की लाइफ भी अच्छी तरह से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो अभी मैं यहाँ पे सिल्वर कलर पे ये क्लियर कोट अप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आप जो रिजल्ट देख रहे हो अब उसके बाद आप मतलब जब क्लियर कोट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना डिफरेंस रहता है, कि अगर आप क्लियर कोट नहीं अप्लाई करते और अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है आप सामने देख सकते हो दोस्तों। तो
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो। अगर आपके पास पुराना कोई ट्रैक्टर हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको मेरा लोकेशन व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर आपके कोई आपके पास कोई पुराना ट्रैक्टर है और आप चाहते हो कि वो उसको रिपेंट करना है मेरे शॉप में, तो आप मुझे वहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो अभी देखो पूरा शाइनिंग दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट देखे बिना वीडियो स्किप मत करना, फाइनल रिजल्ट ज़रूर देखिए। तो अगर आपको ये मेरा जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मैं आपको ऐसे वीडियो आगे देता रहूँगा, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए चीज़ों की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों फाइनली हम आ जाते ग्राफिक्स, जो इसका ग्राफिक्स है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ग्राफिक्स लगाने से पहले मैंने इसको सेंडिंग किया था दोस्तों। सेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पेंट पे कहीं कहीं डस्ट ऐसे चिपक जाते हैं तो आप वहीं पे ग्राफिक्स लगा देते हो तो आप ये बबल्स दिखना स्टार्ट होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ग्राफिक्स लगाने से पहले पूरा क्लीन होना चाहिए, तभी आप ग्राफिक्स लगा सकते हो दोस्तों। तो आपका ग्राफिक्स बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा। इसके बाद हम इसको क्लियर कोट अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो।
जैसे कि आप देख रहे हो पूरा क्लियर कोड जो प्रोसेस है वो पूरा अप्लाई हो चुका है। तो आप अभी हम फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास पुराने ट्रैक्टर हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पुरानी बाइक हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।